हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान उज्जिल अपनी रियल की नेक्स्ट वीडियो को आगे डिस्कस करता हूँ। और इस वीडियो को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। तो बहुत सारे जो मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड है और जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है उनका मुझे रिप्लाई आया, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट भी किया है। तो मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और जिनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ उनको और मेहनत करनी है और निराश नहीं होना है। आपका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ कोई नहीं, आपको जो है आगे जो आपकी जो मिस्टेक है, जो गलतियाँ हैं उनको दूर करना है। और नेक्स्ट आगे मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर ये जो मैंने टेस्ट लिया था इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि आपके लिए टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट रहेगा वो हम लेंगे इंटेग्रल इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे हैं अप्लाइड पोर्शन पे फोकस ही नहीं डालते, इसलिए हम थर्सडे को टेस्ट लेंगे। और थर्सडे को हमारा जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा ओनली ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन, और थर्सडे के बाद फिर हमारा होगा सैटरडे को टेस्ट। और सैटरडे को जो हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर हम जो डालेंगे वो क्या होगा, उसके अंदर हमारा एक से लेके फोर चैप्टर होंगे, यानी कि सेट हो जाएगा टोपोलॉजी ऑन आर एंड आर स्क्वायर सीक्वेंस, और उसके अंदर ऐड हो जाएगी आपकी सीरीज। और तब तक ये जो मेरी सीरीज की वीडियो है, मेरे नेट के क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपकी ये डाल चुका हूँगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिजल्ट ऑन अल्टरनेटिव सीरीज। लास्ट टाइम हम अल्टरनेटिव सीरीज को सोल्व करना सीख चुके थे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, उसने क्या कहा था मुझे, उसने ये कहा था अगर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू है ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन, दूसरी बात ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव लगाओ ए एन पे, अगर ये जीरो आ जाती है तो जो आपकी अल्टरनेटिव सीरीज जो गिवन होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन दी थी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की। देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की क्या डेफिनेशन है थी, बताई थी मैंने, आप क्या करो यूएन का मोड लेके चलिए, और यूएन मैंने किसे, यूएन किसे बोला था, यूएन हमने कहा था एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन ए एन, इसको यूएन बोला था मैंने। आप यूएन का मोड लेके चलो, अगर ये चीज़ कन्वर्ज कर जाती है तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और जो एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है वो क्या भी करेगी, कन्वर्ज। दूसरे शब्दों में कहूँ एब्सोल्यूट जो कन्वर्ज होता है वो होता है प्लस टू पास, जो प्लस टू पास है वो टेंथ पास भी, और टेंथ पास का मतलब कन्वर्जेंट, यानी कि जो प्लस टू पास है वो क्या भी है, टेंथ पास, बट जो टेंथ पास है उसका प्लस टू पास होना कोई जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होती है। देखिए कंडीशनल कन्वर्जेंट ये वो होती है ए एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू ए एन, ये तो क्या करती हो, कन्वर्ज, यानी कि यू एन खुद तो क्या करता हो, कन्वर्ज, और यू एन का जो मोड है वो नॉट कन्वर्ज, मोड करने पे कन्वर्ज ना करे, यानी कि कन्वर्ज तो हो बट एब्सोल्यूट कन्वर्ज ना हो, उसको क्या कहा जाता है, कंडीशनल कन्वर्जेंट। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो कंडीशनल कन्वर्जेंट होता है उसकी आप सारी की सारी पॉजिटिव टर्म उठा लो या सारी की सारी नेगेटिव टर्म उठा लो, अगर उनका सम करके देखते हो तो वो आपका ऑलवेज डाइवर्ज करेगा। देखिए समझते हैं इसको, अगर मैं कोई क्वेश्चन उठाऊं, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्स अप टू सेवन, ये मेरे पास एक सीरीज है। अगर इस सीरीज की बात करूं तो क्लियरली ये जो सीरीज है हमारी क्या है, कंडीशनल कन्वर्ज है, आप चेक भी कर सकते हो। अब मैं प्रूफ करने वाला हूं, अगर मैं इस सीरीज की या तो सारी पॉजिटिव टर्म उठा लूं या इस सीरीज की सारी नेगेटिव टर्म उठा लूं तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो देखिए हमने क्या ले ली, वन प्लस, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, वन बाई थ्री
ये फिर प्लस आएगा, ये माइनस, प्लस 1/5, प्लस 1/7, इसको अच्छे से लिखे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2n-1, ये हो जाएगा। और ये क्लियरली हमारी जो है क्या करने लग रही है, डाइवर्ज करने लग रही है। कैसे, हम यहाँ पर ए एन बोल देते हैं 1/2n-1, और बी एन हम बोल देते हैं 1/n को, हमने निकाला ए एन बाई बी एन, कितना आ गया आंसर 1/2, 0 नहीं आया। बाय डिल, अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इस पे डिलम्बर्ट अगर हम यहाँ पर अपना कंपैरिजन टेस्ट करते हैं तो ए एन बाई बी एन का क्या आंसर आ गया 1/2 आया, नॉट इक्वल टू 0 फाइनाइट, तो ए एन एंड बी एन हैव द सेम बिहेव। और बी एन की बात करें तो बी एन क्या करता है, कन्वर्ज करता है बाय पी टेस्ट, सॉरी डाइवर्ज करता है बाय पी टेस्ट, तो ए एन भी क्या करेगा डाइवर्ज, मतलब इस सीरीज की जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या करती है डाइवर्ज करती है। सिमिलरली अगर इसकी मैं नेगेटिव उठाऊं 1 -1/2 -1/4 -1/6 1/8 यानी कि समीशन -1/2 की पावर n, यहाँ से -1/2 बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1/n, और ये चीज क्या करती है डाइवर्ज करती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए ये इवन नंबर की टर्म है, यहाँ पर इसकी अगर मैं इवन नंबर की टर्म उठाऊं, इवन में कौन आ गई यहाँ पे पॉजिटिव, और ओड में कौन आ गई नेगेटिव। और ये जो बातें है ये कहता है कि एक सीरीज है उसकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज, पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज बनेगी वो क्या करती है डाइवर्ज, और जो नेगेटिव नंबर की जो सीरीज है वो भी क्या करती है डाइवर्ज करती है। तो आप उस सीरीज के बारे में क्या कहोगे, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म होती, तो मैं डायरेक्ट ये बोल देता कि ये क्या करेगी डाइवर्ज करेगी, अगर इवन की भी डाइवर्ज करती है ओड की भी डाइवर्ज करेगी, तो ओरिजिनल भी क्या करती है डाइवर्ज करती है। बट अगर आपके पास अल्टरनेटिव साइन है तो आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लेबनीज का अपना अलग रूल है। तो देखिए यहां पे जो इवन वाली है वो डाइवर्ज करती है, ओड की जो है ये भी डाइवर्ज करती है, जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल है वो क्या करती है कन्वर्ज करती है। इसलिए हम यहाँ पे वो चीजें नहीं कह सकते, क्या अगर इवन की डाइवर्ज करे ओड की डाइवर्ज करे तो जो ओरिजिनल है वो भी डाइवर्ज करेगी। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, और बच्चे इन्हीं चीजों में मार खाते हैं। आगे देखिए अब बात करते हैं, शाम आपको एक सीरीज दे दी जाए, अल्टरनेटिव सीरीज है, अगर आपको पॉजिटिव के बारे में कहूं पॉजिटिव तो करती हो कन्वर्ज, और जो नेगेटिव साइन है वो क्या करती हो डाइवर्ज, एक तो करती हो कन्वर्ज यानी पॉजिटिव साइन वाली तो कन्वर्ज करती हो, नेगेटिव साइन वाली डाइवर्ज करती हो, और आपसे ये बोल दिया जाए जो ओरिजिनल सीरीज होगी वो क्या होगी, तो मैं कहूंगा वह कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती, जो ओरिजिनल होगी हमारे पास क्या नहीं कर सकती कन्वर्ज नहीं कर सकती। अब मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, अगर सपोज कीजिए ओरिजिनल जो है वो कन्वर्ज कर गई, और यहाँ पे अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन के बाद क्या है जो नेगेटिव साइन है वो क्या करने लग रहा है डाइवर्ज, और पॉजिटिव साइन क्या करने लग रहा है कन्वर्ज, तो इट मीन्स ये जो सीरीज बनेगी ये मेरी एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं करेगी। ये क्या नहीं करेगी हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैं मोड कर दूंगा तो ये नेगेटिव वाली जो है ये डाइवर्ज ही करेगी हमारी, तो जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी तो ये क्या नहीं होगी एब्सोल्यूट कन्वर्ज नहीं है। और हम ये जानते हैं अगर कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज ना करे तो उसकी पॉजिटिव टर्म उठा लो या उसकी नेगेटिव टर्म उठा लो वो क्या करती है कन्वर्ज, बट यहाँ पे एक टर्म मुझे क्या गिवन है डाइवर्ज, तो इट मींस ये कंडीशनल कन्वर्जेंट भी नहीं है। यानी कि एक सीरीज आपको सीरीज गिवन हो जी तो और आपको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना है तो आप चाहो तो लेबनीज का यूज मत कीजिए, आप उसकी पॉजिटिव टर्म उठाइए और उसकी नेगेटिव टर्म उठाइए, अगर पॉजिटिव टर्म
तो कन्वर्ज करती हो, नेगेटिव टर्म डाइवर्ज करती हो तो ओरिजिनल को बोल दो, वो कन्वर्ज नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में पॉजिटिव का कन्वर्ज करना कोई जरूरी नहीं है, पॉजिटिव तो क्या करती हो डाइवर्ज, नेगेटिव क्या करती हो कन्वर्ज, तब भी ये रूल वैलिड है। आगे देखिए जो नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो ये है, अगर मुझे ये दे दिया जाए ए एन का जो स्केयर है ये करती है कन्वर्ज और बी एन का जो स्केयर है ये भी क्या करती है कन्वर्ज, ए एन स्केयर भी कन्वर्ज करती है बी एन स्केयर भी कन्वर्ज करती है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बोल दो कि जो ए एन इंटू बी एन है ये क्या करेगी, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, और जो चीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है वो क्या भी करती है कन्वर्ज भी करती है। प्रूफ दे रहे हूं मैं इसका आपको, क्या गिवन है मुझे, ए एन का जो स्केयर है ये कन्वर्ज करता है, बी एन का स्केयर है ये कन्वर्ज करता है, और जो ए एन बी एन इसको मुझे क्या दिखाना है कन्वर्जेंट दिखाना है। तो देखिए हम एक रिजल्ट जानते हैं कि जो हमारी जी एम होती है ये लेस देन इक्वल टू होती है ए एम से, ज्योमेट्रिकल मीन जो होती है दो नंबरों की वो लेस देन इक्वल टू होती है अर्थमेटिक्स मीन से। ज्योमेट्रिकल मीन दो नंबरों की निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन बी एन और अंडर द रूट, ये लेस देन इक्वल टू आ गई हमारे पास ए एन प्लस बी एन बाई टू, ये होगी हमारे पास। अब यहां क्या है, हम एक रिजल्ट जानते हैं, अगर ए एन का स्केयर हो, अगर मुझे ये दे दिया जाए एक्स का स्केयर अंडर द रूट और मैं कहता हूं इसको सोल्व करो, तो मैंने ये देखा है 90% बच्चे इसके अंदर गलती करते, कई बार ये चीजें इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती, बच्चे क्या करेंगे इससे काट के ये लिख देंगे एक्स आंसर आ गया, तो मैं कहूंगा दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों, सपोज कीजिए एक्स जो है मेरा है -3 का स्केयर अंडर द रूट, बच्चों ने ये काट दिया आंसर लिया है -3, ये तो गलत है क्योंकि यहां पे तो 3 भी तो आ सकता था। इसलिए जब कभी भी आपको ये दे दिया जाए एक्स का स्केयर अंडर द रूट, तो अगर आप काटने लग रहे हो तो आप दो आंसर दोगे, पहला आंसर तो क्या दोगे एक्स, क्या बताओगे एक्स 0 से बड़ा है, और बोलोगे माइनस का एक्स इफ एक्स 0 से छोटा है या 0 के इक्वल है। दूसरे शब्दों में कहूं अगर आपको एक्स का स्केयर दे दिया जाए रूट और ये कैंसिल करना है तो आपको आंसर लिखना चाहिए एक्स का मोड, दिस इज ए करेक्ट वे। सिमिलरली यहां क्या है ए एन का स्केयर बी एन का स्केयर अंडर द रूट, तो ये हो जाएगा ए एन बी एन का स्केयर अंडर द रूट लेस देन इक्वल टू ए एन का स्केयर बी एन का स्केयर बाय टू। अब जैसे ही यहां पे मैं ये कैंसिल करूंगा क्या आ जाएगा इसका मोड, ए एन बाय बी एन का क्या आ जाएगा मोड, लेस देन इक्वल टू किससे ए एन का स्केयर प्लस बी एन का स्केयर बाय टू, और जो ये है ए एन का स्केयर क्या करती है कन्वर्ज, ये भी क्या करती है कन्वर्ज, और हम रिजल्ट जानते हैं अगर दो सीरीज कन्वर्ज करती है तो उनका जो सम भी होगा वो भी क्या करेगा कन्वर्ज करेगा, और ये जो बड़ी वाली है ये कन्वर्ज करती है तो ये छोटी वाली भी क्या करेगी सीरीज कन्वर्ज करेगी, और इसका यहाँ क्या लगा हुआ है मोड, इसलिए ये क्या करेगी एब्सोल्यूट कन्वर्ज, और जो एब्सोल्यूट कन्वर्ज होता है वो क्या भी होता है कन्वर्जेंट भी होता है। आगे देखिए रिजल्ट, अगला जो रिजल्ट हमारे पास ये है, अगर मुझे कोई ये दे दे एक सीरीज दे दे ए एन का स्केयर और ये मुझे दे दी जाए यह है कन्वर्जेंट, और मेरे से ये पूछ ले ए एन का स्केयर बाय एन इसके बारे में बताइए कि ये क्या करेगी अगर ए एन का स्केयर कन्वर्ज करता है, तो मैं कहूंगा दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्ज करेगी। देखिए कैसे ए एन यहाँ पे ले ली मैंने, ये तो मेरे पास ठीक है ए एन का जो स्केयर है ये क्या है कन्वर्जेंट है, मैंने एक बी एन बनाई और बी एन मैंने जो है वो ले ली 1/n, बी एन अगर 1/n ले लेता हूं तो बी एन का स्केयर क्या आएगा 1/n का स्केयर, और अभी हमने जस्ट किया था ये क्या है कन्वर्जेंट ये क्या है कन्वर्जेंट, तो इनकी जो प्रोडक्ट रहेगी प्रोडक्ट का जो अंडर रूट जीएम जो है, जीएम का मतलब क्या है हमारे पास ए एन बी एन कितना जाएगा एन, ये जो चीज है हमारे पास इसका मोड लेस देन इक्वल टू क्या आएगा ए एन का स्केयर प्लस 1/n के स्केयर बाय टू, ये आएगा, और
या जो चीज है क्या है, कन्वर्जेंट है और ये छोटी है तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। दूसरी बात, ये मोड के अंदर लिखी हुई है तो इसलिए क्या है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो क्या भी हो गई, कन्वर्जेंट। तो इसलिए आगे से हम याद रखेंगे, अगर कोई सीरीज का स्क्वायर कन्वर्ज करता है तो उसको एंड से डिवाइड करने से भी वो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब यहां पे देखिए एक बात बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, बात ये है अगर मुझे मान लो ए एन ये दे दी जाए, ये कन्वर्ज करती है, और सामने वाला ये कह दे आपको इस ए एन की पावर आपने के कर दी, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये के पावर है ये बिलोंग करती है पॉजिटिव इंटीजर से, और तब पूछ ले ये बताओ ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो देखिए अगर मैं पॉजिटिव नंबर के ऊपर बात करूं तो हम जानते हैं अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसकी जो पावर है, दो कर दो, तीन कर दो, चार कर दो, पांच कर दो, पावर कितनी ही बढ़ा दो वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। बट यहां पर अल्टरनेटिव की जो बातें है वो अलग है, यानी ए एन कन्वर्ज करती है तो ए एन की पावर के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं जहां पे एक तो पावर करने पे कन्वर्ज करेगी और एक बार पावर करने से डाइवर्ज करेगी और खुद कन्वर्जेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक बना लेता हूं सीरीज, सपोज कीजिए मैंने ए एन ले ली माइनस वन की पावर एन बाय एन का रूट, ये ले ली। अगर मैं ए एन का स्केयर करूं तो ये आएगा वन बाय एन, और क्लियरली या जो सीरीज है वन बाय एन, यहां से पी की वैल्यू वन है और पी की वैल्यू वन है तो या जो मैं सीरीज बनाऊंगा समीशन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन का स्केयर यानी कि वन बाय एन, ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। यानी कि ए एन तो खुद तो क्या है, कन्वर्जेंट, और इसकी दो पावर करने पे क्या हो गई, डाइवर्जेंट। तो यानी कि ये रॉन्ग हो गया, जो हम बोलते थे अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी कितनी भी पावर कर दो कन्वर्जेंट होती है, वो बात गलत है, वो बात तब वैलिड होती है अगर सारी टर्म पॉजिटिव हो। अब मैं प्रूफ दे रहा हूं, अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी पावर करने से मैंने यहां कर दी चार पावर, अगर मैं यहां पर करता हूं तो ये हो जाएगा एन का स्क्वेयर। अब ये क्या कर गई, ये सीरीज तो कन्वर्ज कर गई, मतलब ए एन कन्वर्जेंट है तो उसकी पावर करने से कन्वर्जेंट भी कर सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकता कि वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्ज करेगी। आगे देखिए एक क्वेश्चन मुझे ये दे दिया गया, समीशन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एन का स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, ये दे दिया गया मुझे, और ये कहता है इसकी आपको कन्वर्जेंस चेक करनी है कि ये जो सीरीज आपको गिवन है ये कन्वर्जेंस है या नहीं। तो देखिए करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए एन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ लेबनीज रूल का मैं यूज करूंगा, लेबनीज रूल से मेरे पास जो ये है ए एन, एन का स्केयर प्लस वन माइनस एन है, और ए एन प्लस वन बनाऊंगा तो क्लियरली जो आपका ए एन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा ए एन प्लस वन से, यानी कि पहली कंडीशन तो यहाँ ट्रू है। अब सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाता हूँ an पे, ये चीज़ जीरो आती है या नहीं। तो देखिए n का स्केयर प्लस वन माइनस n, रेशलाइजेशन कर देते हैं, n का स्केयर प्लस वन माइनस n प्लस हो जाएगा n का स्केयर प्लस वन प्लस n, ऊपर a माइनस b, a प्लस b की आइडेंटिटी लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n का स्केयर प्लस वन माइनस एन का स्केयर, और बाय में हो जाएगा एन का स्केयर प्लस वन अंडर दी रूट प्लस एन, यानी कि वन बाय एन का स्केयर प्लस वन रूट प्लस एन, ये आ गई मेरे पास सीरीज। और जैसे ही मैं यहाँ लिमिट इन्फिनिटिव लगाऊंगा तो ये आएगा वन बाय इन्फिनिटिव यानी कि जीरो, यानी कि दोनों की दोनों कंडीशन जो है लेबनीज की यहाँ सेटिस्फाई हो गई।
और दोनों की दोनों कंडीशन अगर यहाँ पर लेबनीज की सेटिस्फाई हो गई तो ये जो सीरीज है हमारे पास ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो दिस इज कन्वर्जेंट। अब बात आई क्या ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मोड लेके चल पड़ता हूँ। अगर मैं यहाँ मोड लेके चलता हूँ तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, यानी ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये बच गया, पॉजिटिव टर्म लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा ये हो जाएगा 1/n² + 1 + n का, ये बचेगा। अब यहाँ से अगर हम ये मैं यू एन नाम दे देता हूँ, एन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n√+1। ये हमारे पास यू एन है। अब मैं नाम दे देता हूँ बी एन। बी एन सपोज कीजिए मैंने नाम दे दिया 1/n का, मैंने निकाला यू एन बाय बी एन जो कि आंसर आ गया 1। नॉन जीरो फाइनेट आंसर आ गया, और नॉन जीरो फाइनेट आंसर आ जाए तो क्या होता है, यू एन एंड बी एन हैव द सेम बिहेवियर। अगर बी एन कन्वर्ज करता है तो यू एन कन्वर्ज करेगा, बी एन डाइवर्ज करता है तो ये डाइवर्ज करेगा। और बी एन के बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, बी एन तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है बाई पी टेस्ट। तो इसका मतलब यू एन का मोड भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जबकि मोड का मतलब खुद तो क्या था, कन्वर्जेंट था बाय लेबनीज टेस्ट, और मोड करने पे क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो इसलिए इसको कहा जाएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो जो ये सीरीज है हमारी ये क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक सीरीज दे दी जाए मुझे -1 की पावर n इंटू x+1 का पावर n और 2 की पावर n इंटू n का स्क्वायर, मुझे ये दे दिया जाए। और मुझे ये बताना है x जो है किस इंटरवल के अंदर कन्वर्ज करता है। और ये क्वेश्चन जो है एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट के अंदर भी पूछा गया था। तो देखिए समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हम। ये मेरे पास सीरीज जो है किस इंटरवल के अंदर कन्वर्ज करेगी। तो देखिए अगर ए एन की मैं बात करूं तो ए एन जो है हमारे पास ये हो जाएगा -1 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n n² x+1 की पावर n। अगर मैं यहाँ से ए एन प्लस वन अपना फाइंड आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा -1 की पावर n+1 x+1 की पावर n+1 और बाय में हो जाएगा 2 की पावर n (n+1)² अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं अपना ए एन बाय ए एन प्लस वन का मोड। मैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लेता हूँ और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये जो मेरा आएगा ये हमारे पास एन प्लस वन, ये मेरे पास आएगा 2 × 1 + 1/n² इंटू में 1/x+1 का मोड, ये आएगा मेरे पास। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आंसर ये बन जाएगा 2/x+1 का मोड, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए ये आंसर हमारा आ चुका। अब ये जो है हमारे पास ए एन बाई, मैंने क्या लिया यहाँ पर ए एन प्लस वन, यानी कि यहाँ पर मैंने अपना डी-लैम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज किया है। और मैं ये जानता हूँ जो डी-लैम्बर्ट रेशो टेस्ट में जो ये है ए एन बाई ए एन प्लस वन, अगर इसका आंसर 1 से बड़ा हो जाए तो कन्वर्जेंट होती है, 1 से छोटा हो जाए तो डाइवर्जेंट। यानी कि ये जो आंसर आया हुआ है मेरा इसको मैं 1 से बड़ा लेके चलता हूँ। तो हम क्या करते हैं 2/x+1 का जो मोड है ग्रेटर देन लेके चला मैं 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 > x+1 से, या आगे मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ x+1 का जो मोड है ये <2 से। अब मोड को अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ तो हो जाएगा -2 से तो बड़ा और +2 से छोटा। अब 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो -2 - 1 x 2 - 1, तो -3 x 1, ये हो गया। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये जो सीरीज है मेरी जब x कहाँ बिलोंग करता है -3 और 1 के ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है
तो ये जो सीरीज है ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब बात बची मेरे पास कि माइनस, ये तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस तीन, और इसके ओपन इंटरवल में पता चल गया। अब माइनस तीन पे क्या भी यो होगा, वन पे क्या भी यो होगा, इनको भी हम चेक करेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं एक्स को क्या पुट करता हूँ, माइनस तीन या वन पुट करता हूँ, तो ये टेस्ट तो यहाँ पर फेल हो जाएगा, ये टेस्ट तो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो और टेस्टों का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, मेरे पास जो ये सीरीज है ये हमारे पास है माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस वन की पावर एन डिवाइड बाय टू की पावर एन इंटू एन का स्क्वायर। अब मैं इसको चेक करता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू वन हो जाए तो क्या बिहेव रहेगा। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर एक्स को वन पुट करते हैं तो ये क्या होगा, ये सीरीज हो जाएगी समीशन माइनस वन की पावर एन वन और वन टू की पावर एन डिवाइड बाय टू की पावर एन इंटू एन का स्क्वायर। इसे ये कट गया, ये क्या हो गया माइनस वन की पावर एन बाय एन का स्क्वायर, ये आ गई। अगर इसका मैं मोड लेके चलूँ तो मोड लेने से ये बच जाएगी मेरे पास वन बाय एन का स्क्वायर, और ये वन बाय एन का स्क्वायर क्लियरली क्या करती है हमारे पास, कन्वर्ज करती है, क्योंकि हम मोड लेके चला हूँ तो ये क्या है एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है, और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो ये क्या भी है कन्वर्जेंट भी है। तो यानी कि जब एक्स को मैं वन लेता हूँ तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब बात आई एक्स को अगर मैं माइनस तीन लेता हूँ तो क्या करेगी, तो आप इसको चेक करोगे तो आपको ये माइनस तीन के ऊपर भी क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी। जब आप एक्स को क्या लेते हो माइनस तीन, तब भी ये जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी। तो यानी कि कन्वर्जेंट कब हो जाएगी, माइनस तीन या तीन से बड़े प्लस एक या एक से छोटे के लिए जो मेरी गिवन सीरीज थी वो क्या करती है, कन्वर्जेंट है। तो देखिए एक और क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन ये है, मुझे दे दिया जाए समीशन माइनस वन की पावर एन इंटू साइन एन एक्स अपोन में एन की पावर क्यू, और मुझे ये बोल दिया जाए इसकी कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कीजिए। तो देखिए मैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर लेता हूँ, अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंट भी है, और एब्सोल्यूट नहीं है तो फिर मुझे यहाँ कन्वर्जेंट चेक करना होगा, अगर एब्सोल्यूट होगी तो मुझे आगे चेक ही नहीं करना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ए एन की बात करूँ तो ये हमारे पास है साइन एन एक्स बाई एन की क्यूब। मैं यहाँ पर मोड लेके चलता हूँ, मोड लेके चला तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा वन बाई एन की क्यूब से, और ये जो है वन बाई एन की क्यूब या जो सीरीज बनाऊँगा मैं, ये सीरीज क्या करती है हमारी, कन्वर्ज करती है, क्योंकि यहाँ मोड लेके चले थे ये कन्वर्ज करती है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये जो सीरीज है हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है, और एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है तो क्या भी करती है, कन्वर्जेंट भी है। तो यहां पर मुझे लेबनीज लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली देखिए एक और क्वेश्चन मुझे दे दिया जाए, माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपोन में एन इंटू एन का रूट, ये दे दी जाए मुझे सीरीज, और यहां पर आपको कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो फिर से वही, इसका क्या है, आप मोड लेके चलिए, मोड लेके चलोगे तो ये क्या आएगा वन बाय एन की पावर थ्री बाई टू आएगा, और अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को देखूँ या जो सीरीज है ये जो बड़े वाली सीरीज है यहाँ पर ये सीरीज करती है कन्वर्ज, क्यों, बाय पी टेस्ट, यहाँ पर पी की जो वैल्यू है वो थ्री बाय टू है, यानी कि जो बड़ी सीरीज है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, तो जो छोटी सीरीज है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, तो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर लेबनीज टेस्ट हो गया पूरा। आगे जो है हम स्टडी करते एबल टेस्ट क्या होता है, डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम अपने जो है सी एस आई आर नेट के क्वेश्चन और आगे वीडियो को डिस्कस करेंगे। Thank you, friends.